ना मैम, ये जो आप योगा क्लासेस चला रही कब से चला रही हैं? मुझे 4 साल हो गए करते हुए। मैम फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं जी। अच्छा फीस ले रही हैं आप? हाँ जी। मैम कितने लगभग लोग आपके यहाँ सीख रहे हैं? अभी तो एट प्रेजेंट 25 हैं, बट आते जाते रहते हैं। मैम आज क्या खास रहा है? आज मुझे लोगों को, एक तो मैंने योगा दिवस के उपलक्ष्य पे एक कॉम्पिटिशन रखा है अपनी क्लासेस में, लोगों को और जागरूक करने के लिए, लोगों को और मोटिवेट करने के लिए। जो जितना अच्छा करेगा उसे मैं अपनी तरफ से एक इनाम घोषित करूँगी। मैम लोगों को योगे से क्या क्या फ़ायदे हैं? योगा से बहुत फ़ायदे हैं, स्पेशली लेडीज़, ये ऐसे वुमेन स्पेशली होता है, मैं वुमेंस को ही नज़र में रखते हुए सारा कराती हूँ, पूरा उनकी हेल्थ को लेकर के, पूरा इंटरनली एक्सटर्नली सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, उन्हें बहुत फ़ायदे पहुँचाता है। मैम सबसे कम उम्र के कितने साल की बच्ची है आपके पास? अभी तो एट प्रेजेंट श्रेया है 14 ईयर्स। और मैम सबसे ऊपर 61। बेटा क्या नाम है आपका? श्रेया सिंगल। आपने योगा जो अटेंड किया क्यों किया है? मैंने अपनी हाइट बढ़ाने के लिए योगा अटेंड किया है, लेकिन फिलहाल तो मैं योगा करके बहुत खुश हूँ, हाइट तो मेरी बढ़ी रही है, लेकिन मैं योगा करके बहुत खुश हूँ, मेरा माइंड भी फ्रेश हो रहा है। मतलब खुला खुला के आप योगा करके रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। मैम आपका नाम? वीना गुलियारी। मैम कितनी एज बताई आपने अपनी? 61। मैम जैसे कि आप योगा कर रही हैं, आपको क्या क्या बेनिफिट नज़र आ रहा है? मेरे को बहुत फ़ायदे हो रहे हैं, मेरी बोन्स में बहुत प्रॉब्लम थी, डिस्क स्लिप थी मेरी, और डायबिटिक ब्लड प्रेशर सब तरह की प्रॉब्लम थी, और बोन्स फ्लेक्सिबिलिटी एकदम ठीक हो गई है मेरी, और वेट भी मेरा 5 से 7 kg के बीच लूज हो गया है। आपको कितने टाइम से आप योगा कर रहे हैं? मैं 3 ईयर्स से कर रही हूँ। 3 ईयर्स से यहीं पर कर रही हैं? हाँ यहीं पर। क्या नाम है आपका? कशिका सक्सेन। आपको योगा से क्या क्या बेनिफिट दिख रहे हैं? मुझे बहुत फ़ायदे मिल रहे हैं, फर्स्ट तो ये बॉडी को पूरा रिलैक्स कर देते हैं, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, अब मैं आराम से योगा के सारे पोस्चर्स कर पाती हूँ, और आराम से मेरी मोबिलिटी भी इंक्रीज़ हो गई है, बैलेंसिंग पावर बहुत अच्छी हो गई है। लगभग कितने घंटे का आप लोग योगा करते हैं? 1 आवर। इसके यहाँ से जाने के बाद भी प्रैक्टिस करते हैं या नहीं? नहीं एज सच प्रैक्टिस नहीं करते, इसी से बहुत फ़ायदा होता है। यहीं पर कर रहे हैं जो कर रहे हैं? हाँ। आगे भी करते रहेंगे? हाँ जी बिल्कुल।